नमस्कार तो हम क्लास का चैप्टर नंबर टू सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कर रहे हैं और इसमें हमने जो प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने ये देखा था कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन को एक्चुअली में काउंट कैसे किया जाता है कि पूरे नेशन में काउंट कितना है एक्चुअली uh, में प्रोडक्शन कितना हो रहा है और उसको काउंट कैसे किया जाएगा बिकॉज काउंटिंग भी तो उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है है ना सो so, इस तरह से हमने देखा था कि हम क्वांटिटीज को ऐड नहीं करते हैं हम उनकी वैल्यूज निकालते हैं देन ऐड करते हैं और भी कुछ चीजें हैं जो उस टॉपिक से लिंक्ड है बट मैं उससे पहले आपको कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स कराना चाहती हूँ जो हमारा आपको फिर मैं इसकी मीनिंग बताने के बाद आपको प्रीवियस टॉपिक से वापस से लिंक करूंगी सो प्लीज ये सारे टॉपिक्स को बहुत मिक्स uh, करके अच्छे से सारी चीजों में डिफरेंस अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा जो भी हमारे टॉपिक्स हैं Fine, so today we are going to start the difference between and the types of goods we can say and the types of goods are final goods and intermediate goods, theek hai तो हम basically यहाँ पे देखने वाले हैं कि final goods and intermediate goods जो हैं वो क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं, ठीक है? यस yes. सो so, हम टाइप्स ऑफ गुड्स हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स ये जो भी रिटर्न पार्ट है हम उसपे बाद में आएंगे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ उसके बाद हम आगे देखते हैं ठीक है आई गेस इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको समझाऊंगी की क्या होते हैं गुड्स सो वट वी विल डू इ हमने क्या देखा कि गुड्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गुड्स होते हैं इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं एक हमने देखा अभी वहां पे लिखा हुआ था इंटरमीडिएट गुड्स कैपिटल गुड्स वहां नहीं लिखा था मैं लिख रही हूं एंड कंज्यूमर गुड्स ये भी वहाँ नहीं लिखा था ये भी मैं लिख रही हूँ गुड्स के टाइप्स एंड सॉरी उसमें था हमारे दो पार्ट थे इंटरमीडिएट और दूसरा था फाइनल गुड्स गुड्स के दो टाइप इंटरमीडिएट फाइनल और फाइनल के दो टाइप हैं आपका कैपिटल एंड कंज्यूमर बोला गुड्स के दो टाइप है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स ठीक है और फाइनल गुड्स के दो टाइप्स हो जाएंगे हमारे कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स सो टोटल इन टोटालिटी विल डू कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स देर आर थ्री टाइप्स इन शॉर्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर मैं आप इन आपको इन तीनों का मीनिंग समझाऊंगी फर्स्ट ब्रेड और वी कैन से बिस्किट या ब्रेड ही लिखते थे परचेज बाय अ कंज्यूमर ठीक है भाई ब्रेड परचेज बाय अ रेस्टोरेंट आई विल से ब्रेड कैसे बनेगी एक मशीन होगा ठीक है एक, एक मैं सिर्फ एक बेकिंग मशीन लिख रही हूँ uh, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं सिर्फ एक बेकिंग मशीन लिख रही हूँ जिसमें चीजें बेक हो जाती है एक बड़ी कंपनी के लिए यूजेस के हिसाब से हम देखेंगे एक सेकंड बाय अ कंपनी थ्री एग्जाम्पल्स मैंने लिखे राइट right. हमने एक्चुअली जो हम टाइप्स ऑफ गुड्स कर रहे हैं ये टाइप्स ऑफ गुड्स हम यूज के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि इनका आप यूज कहाँ कर रहे हैं और उस अकॉर्डिंग हम इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं सो so, अब आपने क्या देखा एक हम कर रहे हैं ब्रेड परचेज और वो कौन कर रहा है कंज्यूमर सो so, जब भी कोई कंज्यूमर अपनी नीड को सैटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो प्रोडक्ट कहलाता है कंज्यूमर गुड्स आई एम रिपीटिंग जब भी कोई प्रोडक्ट कोई गुड्स परचेज किया जाता है बाय द कंज्यूमर टू फुलफिल हिज नीड्स और टू देयर वांट्स। सो इन दैट केस दैट प्रोडक्ट इज नोन एज कंज्यूमर गुड इन दिस केस ब्रेड क्या है कंज्यूमर गुड है ठीक है तो मान लो दो पैकेट थे दो पैकेट टू पैकेट उसने ब्रेड के हैं वो परचेज किए कंज्यूमर ने एंड लेट्स जो है वो परचेज किए हैं रेस्टोरेंट ने ना अब उसके बाद भी मैं मैं कंज्यूमर गुड्स पे आ गई अभी थर्ड करा रही हूं. एक मशीन क्या काम होता है मशीन का बेकिंग मशीन का क्या मैं इसको यूज किस लिए कर रही हूँ इसको मुझे आप बताएंगे मैं इसका इस्तेमाल किस लिए कर रही हूँ इस मशीनरी का यूज किया जा रहा है कैन यू टेल मी इसका यूज किया जा रहा है टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स यही हो रहा है इसका यूज किया जा रहा है टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स यही होती है हमारी बेकिंग मशीनरी ना कि इसको इसमें क्या करेंगे हम ब्रेड को बेक कर रहे हैं जो भी ब्रेड को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको देन मार्केट में सेल कर रहे हैं सो so, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसी दूसरी गुड्स को बनाने के लिए ठीक है अब रेस्टोरेंट वाले क्या करेंगे ब्रेड का आप मुझे बताएंगे रेस्टोरेंट वाले क्या करेंगे ब्रेड का वट विल दे डू दे विल मेक सैंडविचेस एंड सैंडविचेस वो क्यों बनाएंगे टू सेल इन देयर रेस्टोरेंट येस और नो क्या देखा आपने भाई एक तो ऊपर वाला जो हमारा ब्रेड का एग्जाम्पल था उसको कंज्यूमर कंज्यूम consume कर रहा था सेकंड हमने एग्जाम्पल देखा उसको रेस्टोरेंट कंज्यूम कर रहा है यूज नॉट यूज कर रहा है कंज्यूम नहीं कहूंगे मैं यूज कर रहा है और मशीनरी भी एक कंपनी यूज कर रही है ठीक है लेकिन इसमें कंज्यूमर ने क्या करा इसने कंज्यूमर ने खुद के लिए खरीदा रेस्टोरेंट ने ब्रेड क्यों खरीदा इसने सैंडविचेस बनाने के लिए खरीदा ताकि वो अपने रेस्टोरेंट में बेच पाए तो क्या हम इसको भी लिख सकते हैं कि ये ब्रेड का इस्तेमाल भी सैंडविचेस बनाने के लिए किया जा रहा है लिख सकते हैं ना हम ये कि ब्रेड का इस्तेमाल जो मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है इन आर सेकेंड एग्जाम्पल की ब्रेड आर यूज टू मेक सैंडविचेस that means we can say this is also used to produce another good and third hamara jo example tha usme bhi hum ye likh sakte hain that that machine breaking machinery jo bhi hai machinery are also used to make breads Difference समझ आ रहा है एक bread आपका खरीदा consumer ने मैं bread गई market से खरीद के लाई और मैंने खा लिया खत्म हो गया उसका वहीं पे चेन लेकिन जो बाकी के दो एग्जाम्पल है जहाँ पे ब्रेड खरीदा गया है उसको रेस्टोरेंट इस्तेमाल कर रही है और आपका लास्ट में जो है वो मशीन है उसको भी एक कंपनी इस्तेमाल कर रही है जो ब्रेड बनाती है यानी इनकी चेन अभी खत्म नहीं हुई है इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में ये सामान इसको बनाने के लिए यूज किया जा रहा है और ये सामान इसको बनाने के लिए यूज किया जा रहा है ठीक है सो फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल में यही डिफरेंस है कि फर्स्ट एग्जाम्पल में जो ब्रेड परचेज किया जा रहा है इसको किसी भी और यूज के लिए किसी भी अदर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन uh, के लिए यूज नहीं किया, रहा जा रहा use किया जा रहा है यहाँ पे कंज्यूमर ने डायरेक्टली यूज कर लिया लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में ब्रेड्स को यूज किया जा रहा है सैंडविचेस बनाने के लिए एंड मशीन को यूज किया जा रहा है ब्रेड्स बनाने के लिए एंड बाद में डिसाइड होगा कि सैंडविचेस कौन यूज कर रहा है ये ब्रेड्स कौन यूज कर रहा है वो कंज्यूमर यूज कर सकता है कोई भी यूज कर सकता है दैट डिपेंड्स ठीक है सो बेसिकली हमने यहाँ पे दो यूजेस देख लिए या तो आप कंज्यूमर डायरेक्टली कोई सामान खा रहा है कंज्यूम कर रहा है 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 ना कोई कंज्यूम वो डायरेक्टली कर रहा है, या तो किसी गुड्स का यूज किया जाता है किसी दूसरे सामान को बनाने के लिए अब हम एग्जांपल देखते हैं आपकी रियल लाइफ में जैसे वुड होती है लकड़ियां होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए प्लास्टिक हो जाते हैं उसका यूज किया जाता है एसी एंड कूलर बनाने के लिए ठीक है आयरन होता है जिसका यूज किया जाता है मे बी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए बी आपके और जो उसके आयरन का यूज आप देख लो कहां पे हम कर सकते हैं रॉड्स हैं या जो भी चीजें हैं फर्नीचर हमारे वोट से बन रहे हैं प्लास्टिक से हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक्स बन रहे हैं स्टील के हमारे यूटेंसिल्स हैं सिमिलरली मिरर एंड सोन सो इस तरह से हाँ आयरन का यूज हमारा गेट बनने के लिए होता है जो हमारे घर के गेट है सो so, इस तरह से ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जिनका यूज किसी और गुड्स को प्रोड्यूस करने में किया जाता है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका हम डायरेक्टली यानी एज अ कंज्यूमर हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं कंप्यूटर बन गया हमने यूज कर लिया मोबाइल बन गया हमने यूज कर लिया ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया हमने यूज कर लिया हेडफोन्स बन गए हमने यूज कर लिया मैगी कंपनी बनने बना दी हमने डायरेक्टली यूज कर दिया So, इस तरह से या तो प्रोडक्ट का जो गुड्स का यूज है वो या तो कंज्यूमर डायरेक्टली कर रहा है या तो उसको वापस से चेन में ले जाकर उसके द्वारा कोई और सामान बनाया जा रहा है एंड देन उसको मार्केट में सेल किया जा रहा है सो दीज आर दी टू डिफरेंट यूजेस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड इतना क्लियर है नाउ द सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ब्रेड्स जो है वो सैंडविचेस बनाने में चले गए क्या ब्रेड का इस्तेमाल दूसरी बार किया जा सकता है क्या ये ब्रेड हमें दोबारा कभी मिलेगा इसने अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर, कर दिया है ये अब खत्म हो चुका है इसकी एग्जिस्टेंस ये एग्जिस्ट ये यूज अप हो चुका है यानी हम इसको दोबारा दोबारा इसका रीयूज नहीं कर सकते लेकिन मशीन ब्रेड को बनाने में ये एक ब्रेड बनाएगा दूसरी ब्रेड बनाएगा तीसरी बनाएगा और सालों साल चलेगा यानी अगर आपको याद हो आपने नाइन्थ में पालमपुर वाला जो चैप्टर किया था दैट मीन्स मशीनरीज जो है जिसको हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं है, है ना अगर नाइन्थ का जो पालमपुर जो का पार्ट है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है ना और आपको रॉ मटेरियल भी याद होगा ठीक है रॉ मटेरियल में क्या डिफरेंस था रॉ मटेरियल क्या होता है ये यूज अप हो जाते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं किया जाता है इसका वन टाइम यूज होता है ओनली हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो रॉ मटीरियल कहलाएगा जो सेकेंड एग्जाम्पल में ब्रेड है दैट विल बी नोन एज रॉ मटीरियल और मशीनरी जो है वो हमारा फिजिकल कैपिटल है जो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो रहा है आई होप आपने पालमपुर वाले चैप्टर में किया है राइट सो दिस इज रॉ मटीरियल एंड दिस इज मशीनरी है ना So, जब भी रॉ मटेरियल और मशीनरी का डिफरेंस यही होता है कि रॉ मटेरियल्स अपनी एग्जिस्टेंस खो देता है जैसे प्लास्टिक अगर एसी और कूलर बनाने में यूज किया जा रहा है तो प्लास्टिक को हम दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते सिमिलरली जो प्लास्टिक है जो भी मटेरियल्स हैं उसको किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने के लिए किया जा रहा है तो वापस से यूज नहीं किया जाता वापस से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आयरन का यूज जो आयरन यूज बन आ, से गेट बन चुका है हमारा आ, जो भी हमारा घर है उसका गेट बन चुका है उसको हम दोबारा से नहीं इस्तेमाल कर सकते वो आपका खत्म हो चुकी है उसकी एग्जिस्टेंस वो अपना फॉर्म खत्म कर चुका है ब्रेड्स हैं सैंडविचेस बन गए वेजिटेबल्स हैं जैसे आपके रेस्टोरेंट्स वाले जितने भी सामान खरीदते हैं वो कुछ और सामान बना के बेचते हैं सो so, इस तरह से जितनी भी चीजें एग्जॉस्ट हो जाती है यूज अप हो जाती है उन चीजों को हम बेसिकली रॉ मटीरियल के नाम से जानते हैं राइट रॉ मटीरियल्स कहलाता है और जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है वो हमारा जो फिजिकल कैपिटल था सो so, अब मैं वापस से अपने ऊपर वाले जो क्लासिफिकेशन हमने करी थी मैं उसके ऊपर आ रही हूँ जगह थोड़ी सी कम बची है सो कैपिटल गुड्स और कुछ भी नहीं है कैपिटल गुड्स हमारा सिर्फ है ये जो कैपिटल गुड्स होता है स्पेस का मैं तो मैं नीचे लिख रही हूँ। हमने जो अभी डिस्कस किया ऊपर कैपिटल गुड्स तो कैपिटल गुड्स और कुछ भी नहीं है ये फिजिकल एसेट्स हैं जो हमने नाइन्थ में पालमपुर वाले चैप्टर में किया है फिजिकल कैपिटल हमने किया था जो अभी मैंने ऊपर लिखा इंटरमीडिएट गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स और कुछ भी नहीं है ये हमारा रॉ मटीरियल है इसके अलावा जो मैंने कंज्यूमर गुड्स किया था तो कंज्यूमर गुड्स इन दोनों गुड्स के अलावा वो सारी चीजें हैं दैट इज डायरेक्टली दिस इज डायरेक्टली यूज बाय दी कंज्यूमर सो हेयर इज द डिफरेंस

ठीक है, अब जिसको हम करते हैं हैं, वो हमारे physical capital होते रॉ मटेरियल की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं और जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है वो हमारे कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं क्लियर अभी मैं इस वीडियो के लिए इतना ही रोक रही हूँ जिसमें हमने कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का डिफरेंस किया है नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है ठीक है सो प्लीज इस कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए अगला पार्ट मिस ना करें थैंक यू सो मच